हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग फिटर के सेकेंड चैप्टर को देख लेते हैं। इसमें हम लोग को मार्किंग और मार्किंग टूल्स के बारे से पढ़ेंगे। मार्किंग क्या होता है और मार्किंग टूल्स क्या होगा। मार्किंग मतलब कि किसी भी जॉब पर ड्राइंग के अनुसार बनाने से पहले उस पर क्या करना, मार्किंग करना। दिए गए ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करना ही मार्किंग कहलाता है या फिर मार्किंग आउट कहलाता है, ठीक है। लेकिन जिस टूल के माध्यम से हम लोग उसको मार्किंग करते हैं वो क्या कहलाएगा, मार्किंग टूल कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्किंग करने से पहले हम लोग को जॉब पर कुछ न कुछ ले या फिर लेप लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मार्किंग मीडिया। तो मार्किंग मीडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मार्किंग मीडिया मतलब उस ड्राइंग को उस पर बनाने से पहले उस पर क्या करना, लेपिंग करना। किसी जॉब पर उस मार्किंग मीडिया को लेप करना ही क्या कहलाता है, मार्किंग मीडिया कहलाता है। तो उसको लेप करने के लिए कई अलग अलग प्रकार से वार्निश वगैरह का उपयोग किया जाता है, चॉक का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो मार्किंग करने से पहले हम लोग को किसी भी जॉब पर लेप लगाने के लिए सबसे पहला देखते हैं ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चाक का उपयोग किया जाता है। ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चाक, जो ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए जो यूज़ करते हैं चॉक, उस पाउडर का उपयोग किया जाता है। जनरली आप लोग देखे हो कि वर्कशॉप में जब भी हम लोग को कोई जॉब दिया जाता था बनाने के लिए तो कटिंग करते थे, उसके बाद उस पर चॉक का लेप लगाते थे और उसके बाद फिर ड्राइंग के अनुसार उस पर मार्किंग करते थे। तो ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चाक का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, कास्ट आयरन की रफ सतहों पर मार्किंग करने से पहले लेप लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चाक का उपयोग किया जाता है रफ सरफेस पर, ठीक है। या फिर कास्ट आयरन पर, कास्ट आयरन के रफ सरफेस पर मार्किंग करने से पहले उसमें लेआउट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मार्किंग मीडिया के रूप में ब्लैक बोर्ड चाक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लू विट्रॉल। ये ब्लू विट्रॉल क्या होता है, इसमें 1 गैलन पानी में, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग क्यों करेंगे, 1 गैलन पानी में क्या करते हैं, इसमें 4 से 5 बूंद क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट का फुल रासायनिक नाम होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का, और 4 से 5 बूंद किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ब्लू विट्रॉल का कंपोजिशन अगर पूछा जाए पेपर में तो क्या होता है, ब्लू विट्रॉल का उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्किंग मीडिया के लिए कर रहे हैं, और इसका जो रासायनिक होता है 1 गैलन पानी में 4 से 5 बूंद कॉपर सल्फेट और 4 से 5 बूंद हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है, जो कि इसको जब हम लोग जॉब पर लगाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, कॉपर की तरह हो जाता है, ठीक है, कॉपर के जैसे उसका कलर हो जाता है। फिर इसके बाद उसको मार्किंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है लेआउट डाई। लेआउट डाई क्या होता है, ये भी ब्लू कलर की स्याही होता है, जैसे कि पेन का जो मस रहता है ना, इंक रहता है, वो क्या रहता है, ब्लू कलर का एक स्याही होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम लोग को क्या करना रहता है, ब्रश की सहायता से किसी जॉब पर मार्किंग करने से पहले उस पर मार्किंग मीडिया की जाती है, तो उसके लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। लेआउट डाई जनरली बहुत फास्ट क्या हो जाता है, ये सूख जाता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग को जहाँ पर बहुत जल्दी जॉब को बनाने होते हैं वहाँ पर, ऐसे जगहों पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जनरली इसको हम लोग को लगाने के लिए ब्रश की सहायता से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, और इससे जो सरफेस रहेगा वो कैसे हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइट कोटिंग। वाइट कोटिंग क्या होता है, चॉक और कुछ मात्रा में थोड़े से अल्कोहल को मिक्स करके, यहाँ पर लिख देता हूँ, चॉक पाउडर प्लस अल्कोहल, दोनों को जब मिक्स करके एक मात्रा में हम लोग निश्चित मात्रा में घोल बना लेते हैं, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, जॉब पर लगाया जाता है। यहाँ पर वाइट कोटिंग का मेन मकसद है कि जो अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं वो क्या करता है, किसी भी
जो जॉब की सरफेस होती है उसको क्या होता है, अगर पानी मिला देंगे तो वो कोरोजन कर देता है, कोरोजन को बढ़ावा देता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग एल्कोहल मिला देते हैं। एल्कोहल क्या करता है, कोरोजन से, कोरोजन होने से रोक देता है और वो आसानी से क्या हो जाता है, उसमें सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है एल्कोहल होने की वजह से, और कोरोजन से भी रेजिस्टेंस मिल जाता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। वहाँ पर चाक पाउडर प्लस एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ये भी फास्ट होता है, जल्दी से जल्दी ये मीडियम तैयार हो जाता है और लग भी जाता है। नेक्स्ट है क्विक ड्राइंग वार्निश एंड पेंट। क्विक ड्राइंग वार्निश क्या होता है, जहाँ पर अपने को बहुत जल्दी या फिर कहना चाहिए कि बड़े स्टील स्ट्रक्चर पर और फास्टिंग की मशीन की हुई सरफेस पर यदि आप लोग को मीडिया लगाना हो तो किसका उपयोग किया जाता है, क्विक ड्राइंग वार्निश का उपयोग किया जाता है। क्विक ड्राइंग वार्निश या फिर पेंट, अलग अलग बहुत सारे टाइप्स के कलर्स के आते हैं, इस पेंट का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें आसानी से ही उसको मार्किंग मीडिया कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।